तो दोस्तों, सहारा रिफंड की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सहारा रिफंड के पोर्टल पे रीसबमिशन का एक नया लिंक एक्टिव हो गया है। अगर आपको भी डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया था और आपका सहारा रिफंड का पैसा आपको नहीं मिल पाया था, तो अब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब आप अपनी एप्लीकेशन को रीअप्लाई करेंगे, जिससे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा और आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। पिछली वीडियो मैंने आपको यूज़र मैनुअल के सहारे बताया था कैसे आप सहारा रिफंड का रीसबमिशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो मैंने आपको लाइव प्रोसेस के साथ बताया है कैसे आप अपने सारा रिफंड के एप्लीकेशन को रीअप्लाई करेंगे, कैसे आप अपने एप्लीकेशन को एडिट करके दोबारा सबमिट करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इसके बारे में आपको पता ही होगा, यहाँ से ही आपने सहारा रिफंड के लिए सबसे पहले अप्लाई करा था। तो यहाँ पे देखिए, एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है पुनः सबमिशन लॉगिन का। इसे मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, रीसबमिशन लॉगिन, ये एक न्यू टैब जोड़ा गया है। इसी टैब के मदद से आप अपने सहारा रिफंड की एप्लीकेशन को रीसबमिट कर पाएंगे। लेकिन सहारा रिफंड की एप्लीकेशन को रीसबमिट करने से पहले आपके पास दो चीज होना चाहिए। सबसे पहला आपका एप्लीकेशन नंबर, या जिसे क्लेम रिक्वेस्ट नंबर भी कहते हैं। दूसरा, आपको आपके डिफिशियंसी मैसेज का डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। तो इसे कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आपको अपने इस पोर्टल पे लॉगिन करना है। डिपॉजिटर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, फिर उसी तरह से यहाँ पे आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट को एंटर करेंगे, फिर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को देंगे, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके इस नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर देकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होते ही आपके सहारा रिफंड की एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेटस आ जाएगा। ऊपर में आपको एक क्लेम एक्नोलॉजमेंट नंबर दिखेगा। इसी क्लेम एक्नोलॉजमेंट नंबर को क्लेम रिक्वेस्ट नंबर भी कहा जाता है। एप्लीकेशन को रीसबमिशन करने के लिए इसी नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसे आपको कॉपी करके या स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लेना है। यहाँ पर आपको डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का स्टेटस दिख जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको बताया जाएगा किस कारण के वजह से आपके एप्लीकेशन को अभी रोका गया है। इसे आप चाहे तो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कमी का कारण लिखा हुआ है। तो इस कमी के कारण को आपको स्क्रीनशॉट करके या मोबाइल से फोटो खींचकर रख लेना है, क्योंकि इसी के मदद से आपको अपना डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन निकालना है। यहाँ पर अब आपको रीसबमिशन लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपको एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सहारा रिफंड पोर्टल रीसबमिशन, यहाँ से ही आप रीसबमिशन कर पाएंगे। अब आपको डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन पता करना है। ऊपर में आपको यहाँ पे टैब दिखेगा डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ खुलेगा। अब ये आखिर डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन क्या है? देखिए, डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन को अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, तो डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जो आपको डिफिशियंसी का मैसेज आया है, उस डिफिशियंसी के मैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ही डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये देखिए, एक पीडीएफ खुल चुका है। इसे हम यहाँ पे नीचे बड़ा करते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। अभी ये इंग्लिश में आ रहा है, तो चलिए अब इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको ऊपर आना है। यहाँ पर आपको हिंदी दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये पीडीएफ हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिखेगा, त्रुटि कोड, त्रुटि संदेश और अपेक्षित कार्रवाई। तो ये त्रुटि संदेश आपका डिफिशियंसी मैसेज है। अब तक जितने भी जमाकर्ता को जितने भी डिफिशियंसी मैसेज भेजे गए हैं, यहाँ पर आपको तमाम डिफिशियंसी मैसेज लिखा हुआ दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सारा डिफिशियंसी मैसेज लिखा हुआ है, साथ ही यहाँ पर सीरियल नंबर भी लिखा हुआ दिखेगा आपको। साथ ही इसके सामने आपको जो ये दिख रहा है अपेक्षित कार्रवाई, इसका मतलब ये है कि इस डिफिशियंसी मैसेज को ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे आप यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपने डिफिशियंसी मैसेज को ढूंढना है और उसके सामने इस डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन को याद रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने डिफिशियंसी मैसेज को ढूंढते हैं। ये देखिए, मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मेरा डिफिशियंसी मैसेज दिख गया है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है D012 में दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता ही नहीं है। तो इस डिफिशियंसी मैसेज में हमें क्या करना है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। आपके दावे संसाधित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि आपके दावे का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। कृपया अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें या सही विवरण के साथ आवेदन पुनः सबमिट करें। तो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि अगर मैंने एप्लीकेशन के दौरान गलत डिटेल दे दिया था, तो सही डिटेल देकर हमें अपने एप्लीकेशन को रीसबमिट करना होगा।
तो इसी तरह से यहाँ पर आपको अपना डिफिशियंसी मैसेज ढूंढना है और उसके सामने इस डिफिशियंसी कोड को याद रखना है ताकि आपको पता चल सके कि आपको एप्लीकेशन को सुधारने के लिए क्या करना है। वैसे मैंने इस पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। इतना करने के बाद आपको रिसबमिशन के पोर्टल पे दोबारा आना है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको रिसबमिशन लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे क्लेम रिक्वेस्ट नंबर यानी कि CRN नंबर मांगा जाएगा, तो मैंने आपको CRN नंबर शुरू में ही निकालना बता दिया। उस CRN नंबर को यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को देकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, यहाँ पे OTP देकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, फिर यस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने सारा रिफंड की एप्लीकेशन को रिसबमिट करने का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को 5 स्टेप में कंप्लीट करना है। सबसे पहले इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर टर्म्स को क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP देकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, वेरीफाइड OTP सक्सेसफुली OK पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने आपके आधार कार्ड का डिटेल फेच होकर आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कंप्लीट एड्रेस लिखा होगा। अगर यहाँ पर आपकी डिटेल आपके आधार कार्ड से मैच नहीं करती है तो आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड के EKYC को दोबारा कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर डिटेल दोबारा अपडेट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल आईडी अपना दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर सेव पर क्लिक करेंगे, नीचे आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उस बैंक का नाम आ जाएगा। अगर बैंक का नाम यहाँ पर नहीं आता है तो गेट बैंक नेम पर क्लिक करेंगे, ये देखिए बैंक नेम आ गया है यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखें कि आपके सहारा रिफंड का पैसा आपके इसी आधार कार्ड के लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर बैंक नेम को जरूर चेक कर लेंगे। फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस वाले स्टेप में आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसी स्टेप से आप अपनी डिफिशियंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब तक आपका जितना भी क्लेम प्रोसेस हो चुका होगा, जितना भी क्लेम का पैसा आपको मिल चुका होगा, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी क्लेम मुझे प्रोसेस नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है, तो इसे हम बंद करते हैं। सेकेंड स्टेप में आएंगे, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, टोटल डिफिशियंसी क्लेम अमाउंट 10,000। पुराने वाले सहारा रिफंड के एप्लीकेशन में आपने जितने भी मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर और रिसिप्ट को ऐड करा था, वो सारा यहाँ पर डिटेल में आ जाएगा। यहाँ पे डिफिशियंसी पर क्लिक करके आप अपने डिफिशियंसी को पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर डिफिशियंसी कोड लिखा है, डिफिशियंसी मैसेज लिखा है, और इस डिफिशियंसी मैसेज के लिए आपको क्या करना है, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। मैंने आपको इसके बारे में शुरू में ही बता दिया, इसे आपको क्लोज करना है। सभी डिफिशियंसी को सॉल्व करने के लिए आपको बारी बारी से सभी डिफिशियंसी के सामने एक्शन के बटन पर इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके अपने पुराने वाले सहारा रिफंड के एप्लीकेशन को एडिट करना है, उसे अपडेट करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन खुल गया है, अपडेट क्लेम डिटेल। यहाँ से आप अपने क्लेम डिटेल को अपडेट करेंगे। ध्यान रखिए इसे आपको ध्यान से अपडेट करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती कर देंगे फिर से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपने सोसाइटी नेम, मेंबरशिप नंबर, रिसिप्ट नंबर और अकाउंट ओपनिंग डेट को अपने बॉन्ड पेपर से मैच करना है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी गलती नजर आता है तो उसे आपको करेक्शन करना है या अपडेट करना है। तो मैंने यहाँ पे सारा डिटेल बॉन्ड पेपर से मैच कर लिया है, सारा डिटेल यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक एरर बताया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आधार नेम एंड सोसाइटी अकाउंट नेम डज नॉट मैच, काइंडली इंश्योर टू एग्री बिलो डिक्लेरेशन टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे मुझे ये बताया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड का नाम और सहारा इंडिया सोसाइटी में आपका दिया गया नाम दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको अपने नीचे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होगा और आगे जाकर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी मुझे गवर्नमेंट आईडी अपलोड करना है ताकि मेरा नाम सोसाइटी से मैच करा जा सके। तो इसके लिए आपको इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करना है, ये देखिए एक्सेप्ट हो गया है और वो एरर हट गया है। देखिए एरर हटते ही मैं चाहूँ तो यहाँ पे सर्टिफिकेट या पासबुक नंबर भी चेंज या अपडेट कर सकता हूँ। नीचे आप इन दोनों बॉक्स को चेक नहीं करेंगे। अगर आपने सहारा के किसी भी सोसाइटी से लोन लिया था तो आप चाहें तो उस लोन की जानकारी इसे चेक करके दे सकते हैं। अगर लोन नहीं लिया था तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आपको सहारा इंडिया के सोसाइटी से पार्शियल पेमेंट रिसीव हुआ है, आधा पेमेंट रिसिप्ट हुआ है, तो आप चाहें तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। पेमेंट नहीं मिला है तो इसे आप अनचेक ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट में आप चाहें तो यहाँ पर डिपॉजिट सर्टिफिकेट, पासबुक या बॉन्ड पेपर को अपलोड कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप
पासबुक अपलोड कर रहे हैं तो आपको पासबुक के फर्स्ट पेज को स्कैन करके अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर बॉन्ड पेपर को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे बॉन्ड पेपर को अपलोड कर दिया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आप रिव्यू एंड रीसबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लेम अपडेटेड सक्सेसफुली, ये देखिए हमने यहाँ पर एक क्लेम को अपडेट कर दिया है। इसी तरह से आपको जितने भी डिफिशियंसी यहाँ पे दिखेंगे, सभी डिफिशियंसीज के सामने डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड में एक्शन के बटन पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी डिफिशियंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे भी उसी तरह से अपडेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी मेरा उसी तरह से एरर आ रहा है, तो चलिए हम इसे भी ठीक कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों क्लेम के डिफिशियंसी को अपडेट कर दिया है, स्टेटस में अपडेटेड का स्टेटस आ गया है। इसी तरह से यहाँ पर आपके जितने भी क्लेम होंगे, जितने भी डिफिशियंसीज होंगे, सभी डिफिशियंसीज को बारी बारी से पेंसिल आइकन पर क्लिक करके अपडेट कर देना है। डिफिशियंसीज अपडेट करने के बाद इसे आप यहाँ से क्लोज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इसके लिए आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आधार नेम मिसमैच विद सोसाइटी रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर कोई गवर्नमेंट आईडी अपलोड करना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे गवर्नमेंट आईडी के टाइप दिख जाएंगे। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड या गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉयर फोटो आईडी कार्ड या कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड ही अपलोड करूँगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको उस नाम को टाइप करना है जैसा नाम आपके इस वोटर आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर देंगे, फिर यहाँ पर उसी वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे यह भी लिखा हुआ है कि आपको अपने वोटर आईडी कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहां पर आपने डॉक्यूमेंट को रखा है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहां पर मुझे एक एफिडेविट भी अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो एफिडेविट सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। यहां पे डाउनलोड ब्लैंक एफिडेविट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं या हिंदी में, तो हम यहां पर इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, इसे आप ओपन करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर एफिडेविट फॉर्म को हिंदी में और इंग्लिश में डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कैसे आपको इस एफिडेविट फॉर्म को भरना है। देखिए सबसे पहले आपको इस एफिडेविट फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद इसे आपको भरना है और अपनी नज़दीकी नोटरी से इसे वेरीफाई कराकर अपलोड कराना है। सबसे पहले यहाँ पर आप एक फ़ोटो चिपकाएंगे, फिर यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, निवास में आपको वर्तमान पता देना है, उसी तरह से यहाँ पर आपको स्थायी पता देना है। अब अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो यहाँ पर आप दोनों सेम एड्रेस भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको वो नाम पेन से लिखना है जो नाम आपके आधार कार्ड पर लिखा है। ध्यान रखें यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है ताकि साफ साफ आपका नाम यहाँ पर नज़र आ सके। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको उन सोसाइटी का नाम देना है जिस सोसाइटी के नाम के संदर्भ में यहाँ पर आप क्लेम को जमा कर रहे हैं। जिस सोसाइटी में आपका पैसा जमा है सोसाइटी का नाम लिखेंगे, उसके सामने यहाँ पर मेंबरशिप नंबर लिखेंगे, सारा सोसाइटी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर मेंबरशिप नंबर लिखेंगे, बारी बारी से आपको सभी मेंबरशिप को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वो नाम लिखना है जो नाम आपके सहारा इंडिया के बॉन्ड पेपर पर लिखा हुआ है, ठीक है, वो नाम लिखना है जो नाम आपके बॉन्ड पेपर पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप वो नाम लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड पर लिखा है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सिंपली सिग्नेचर करना है, जिनके नाम से खाता है उनका सिग्नेचर लेंगे, उसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर लेंगे। फिर यहाँ पर स्थान में अपने गांव या शहर का नाम देंगे, फिर आज का डेट देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा मोहर नोटरी, नोटरी से यहाँ पर उनका मोहर लेना है, यहाँ पर नोटरी का सिग्नेचर लेंगे, नोटरी का नाम लेंगे, यहाँ पर नोटरी के पास एक पंजीकरण संख्या होता है, उस पंजीकरण संख्या को लिखवाएंगे, फिर उनका पता लिखवाएंगे, ठीक है। इसके लिए नोटरी आपसे 100 या 50 रुपये ले सकता है, ये आपको नोटरी से ही करवाना होगा। सेम इसी तरह से आप इंग्लिश वाले फॉर्म में कर सकते हैं, सेम यहाँ पर आपको वही चीज़ मिलता है, बस यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिखेगा। सेम उसी तरह से इस फॉर्म को भरेंगे, यहाँ पर आपको नोटरी से सिग्नेचर लेना है, उनका नाम लेंगे, उनका एड्रेस लेंगे और उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, मोहर लेंगे और इसे आपको स्कैन करके आपको CRCS पोर्टल के रिसबमिशन पोर्टल पर सबमिट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एफिडेविट तैयार कर लिया है, मैंने यहाँ पर सारा डिटेल दे दिया है, नोटरी से मोहर भी ले लिया है, ठीक इसी तरह से आपको एफिडेविट तैयार कर लेना है। आपको अपने नज़दीकी कोर्ट या कचहरी जाकर नोटरी से यहाँ पर मोहर ले लेना है और जो आईडी प्रूफ यहाँ पर आप अपलोड करने वाले हैं उसे आपको सेल्फ अटेस्टेड भी इस तरह से ज़रूर बना लेना है, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड नहीं होगा तो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा।
तो देखिए मैंने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी ले लिया है और इसमें मैंने सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करके करवा लिया है। डॉक्यूमेंट रेडी करके दोनों डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करके रख लेंगे, क्योंकि इसे आपको अब यहाँ पर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से इस वाले पेज पर आएंगे, गवर्नमेंट आईडी टाइप में उस गवर्नमेंट आईडी को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करेंगे, इसे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आप सेम उसी नाम को टाइप करेंगे जैसा नाम आपके इस डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है। फिर आईडी नंबर में आपको इस डॉक्यूमेंट का नंबर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करा है तो मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले आईडी प्रूफ को अपलोड करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम एफिडेविट अपलोड करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर एफिडेविट को सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। देखिए मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट का फाइल साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अभी हम डॉक्यूमेंट को सबसे पहले कंप्रेस कर लेते हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कर लिया है, फिर से चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारा डिटेल देने के बाद और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे दोबारा कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर आप अपने डिटेल को एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने कोई भी डिटेल गलत दे दिया है तो आप नो पर क्लिक करके दोबारा इसे एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर बिल्कुल सही डिटेल दिया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको रीसबमिशन क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म को जनरेट करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, उस पर आप अपना एक फोटो चिपकाएंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे और उसे यहाँ पर आप दोबारा PDF में या JPG में अपलोड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जनरेट रीसबमिशन क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्लिक करते हैं। ये देखिए एक PDF डाउनलोड हुआ है, इसे आप ओपन करेंगे। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन रीसबमिशन फॉर्म। इस फॉर्म में यहाँ पर आपको अपना एक रिसेंट फोटो चिपकाना है, फोटो पर आपको क्रॉस सिग्नेचर भी करना है। सिग्नेचर इस तरह से करेंगे कि आधा सिग्नेचर फोटो पे होना चाहिए और आधा सिग्नेचर नीचे होना चाहिए। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका सारा डिटेल पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। सबसे नीचे आएंगे, आपको घोषणा डिक्लेरेशन दिखेगा, डिक्लेरेशन में भी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे आना है। यहाँ पर भी आपको एक सिग्नेचर करने का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर डिपॉजिटर यानी कि जिनके नाम से खाता है वो अपना सिग्नेचर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने गाँव या शहर का नाम देना है। इतना करने के बाद आपको इसे दोबारा स्कैन करके अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव करके रख लेना है और इसे यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए हम इसे रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमने रीसबमिशन फॉर्म भी रेडी कर लिया है, फोटो चिपका कर एप्लीकेंट का क्रॉस सिग्नेचर भी ले लिया है और नीचे भी यहाँ पर हमने सिग्नेचर ले लिया है। इसी तरह से आपको एप्लीकेशन को रेडी कर लेना है, इसे स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। उसके बाद फिर से आप इस पेज पर आएंगे और उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ध्यान रखें कि आपका वो डॉक्यूमेंट 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो PDF या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वार्निंग दिया जा रहा है, अगर आप यहाँ पर ओके प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन में कोई भी एडिट या करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने कोई भी गलत डिटेल दे दिया है तो उसे आप अभी यहाँ पर नो कैंसिल पर क्लिक करके बैक जाकर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने बिल्कुल सही डिटेल दिया है तो आपको यहाँ पर ओके एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन रीसबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आपका एप्लीकेशन रीसबमिट सक्सेसफुली हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका रीसबमिशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको रीसबमिशन CRA नंबर दिया जाएगा, इसे आप नोट करके रख लेंगे या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी सेव करके रख सकते हैं या आप चाहें तो इसे प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। Ctrl+P पर टाइप करेंगे, ये प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्ट इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं या आप इसे PDF में सेव करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको साफ बताया जा रहा है कि आपका रीसबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म 45 दिन के अंदर अंदर में रीप्रोसेस किया जाएगा, और अगर आपने यहाँ पर डिटेल बिल्कुल सही दिया है तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होकर आपका सारा रिफंड का पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो प्रोसेस क्लेम को देख सकते हैं कि आपको कितना रिफंड मिला है, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और अपने डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड के डिटेल को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये सारा डिटेल है जिसे अभी हमने एडिट करा है। अगर आप अपने रीसबमिशन फॉर्म के स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो फिर से आप सहारा रिफंड के रीसबमिशन के पोर्टल पर आएंगे, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से रीसबमिशन लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप उसी क्लेम रिक्वेस्ट नंबर को पेस्ट करेंगे जिसे आपने कॉपी करके सेव करके रखा था।
फिर आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करेंगे, फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने उसी तरह का रिसबमिशन का स्टेटस आ जाएगा जो आपने अभी सबमिट करते समय देखा था। अगर स्टेटस चेक करने के बाद आपको प्रोसेस क्लेम में यहाँ पर आपको वो अमाउंट दिख जाता है जितना आपने क्लेम करा था, तो इसका मतलब है कि आपका वो पैसा प्रोसेस हो चुका है, आपका पैसा आपके आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो अभी देखिए यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो हमें यहाँ पर बाद में स्टेटस चेक करना होगा। इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 45 दिनों तक वेट करना है। इस बार आपके सारा रिफंड की एप्लीकेशन को रूट लेवल पर वेरीफाई किया जाएगा और आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करके आपके सारा रिफंड का पैसा डायरेक्ट आपके आधार कार्ड के लिंक बैंक अकाउंट में चला जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, फैमिली तक शेयर करें, क्योंकि ये अपडेट अभी बिल्कुल नया नया आया है। अभी साइट अच्छे से चल रही है, अगर आप अभी एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे तो आसानी से अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन काम हमसे घर बैठे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।